196 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा अब तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह शेखुपुरा 9 से पीपी 144 189 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से अभी तक एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज डोगर 165 वोट लेकर आगे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सज्जाद हैदर नदीम जो कि 80 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज डोगर हैं पीपी 144 से जो कि एक पोलिंग स्टेशन के मुताबिक 165 वोट लेकर आगे हैं। 189 पोलिंग स्टेशन हैं कुल और सज्जाद हैदर नदीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है 80 वोट लेकर वह दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे जानने का सिलसिला जारी है और शेखुपुरा 9 पीपी 144 से यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा अब तक पहुंचा रहे हैं। कुल 189 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से अभी तक एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज डोगर 165 वोट लेकर आगे हैं जबकि सज्जाद हैदर नदीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है उन्होंने 80 वोट हासिल किए हैं और वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज डोगर लीड पर हैं। शेखुपुरा 9 पीपी 144 189 पोलिंग स्टेशन जिनमें से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो अब तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब से यह दूसरा गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो अब तक पहुंचा रहे हैं जिसके मुताबिक शेखुपुरा 9 से पीपी 144 189 में से एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज डोगर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 165 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और सज्जाद हैदर नदीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है 80 वोट लेकर अभी पीछे हैं। लेकिन अभी कुछ कहना कबलज वक्त होगा क्योंकि 188 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है वो वापस आना